जी हाँ, आपके गायके में बदलाव ला सकता है ये वीडियो। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। दोस्तों, हमारे पास जितना पैसा होता है, हमारी ज़िंदगी उतनी आसान हो जाती है। हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम उसे ख़रीद लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त पैसा है। वी हैव इनफ मनी टू बाय एनीथिंग। हम जितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते जाते हैं, स्टोर करते जाते हैं, हमारी आर्थिक समृद्धि, आर्थिक शक्ति बढ़ती जाती है। एक गायक के लिए सांस, हवा, एयर उसका धन है। वो जितना ज़्यादा सांस अपने फेफड़ों में स्टोर कर सकेगा, वो उतना ही अच्छा सिंगर बन सकेगा। वो जितना ज़्यादा अपने ब्रीदिंग स्टेमिना को बढ़ा सकेगा, वो एक अच्छा सिंगर बन सकेगा। उसकी गायकी एकदम बदल जाएगी। दोस्तों, हमारे इंडिया में मैंने देखा है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे लोग उतना फोकस नहीं करते हैं। अपने श्वसन तंत्र के लिए लोग उतना मेहनत नहीं करते हैं, बस वो नॉर्मल रियाज करते हैं जैसे हम सभी करते हैं गाकर। लेकिन विदेशों में दोस्तों ऐसा नहीं है। ताकि उनका सिंगिंग स्टेमिना बढ़े, पावर आए उनके गाने में, उनके नोट्स प्रॉपर लगें और उनकी सिंगिंग एफर्टलेस हो सके, तो सिंगर्स के लिए सांस का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत। तो आइए जानते हैं कि अपने श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या करना है। दोस्तों, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में मैंने एक वीडियो बनाई है बहुत पहले, और उसे करीब 2 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, और वो भी बहुत कारगर एक्सरसाइज है। पर दोस्तों, मुझे एक नया एक्सपीरियंस हुआ है कि उससे भी बेटर एक और एक्सरसाइज है, अगर हम करें तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। वो एक्सरसाइज भी मैंने आपको बताई है और ये भी मैं ही आपको बताऊंगा। पर मैं पर्सनली इस एक्सरसाइज को करता हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उससे बेटर ये एक्सरसाइज है। जी हाँ, उससे बेटर। उस एक्सरसाइज में दोस्तों आपको कुछ नहीं चाहिए था। इस एक्सरसाइज में आपको फ्लूट चाहिए। आज जन्माष्टमी है दोस्तों। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। कि मैं फ्लूट प्लेयर नहीं हूं, मैं बस अपने ब्रीदिंग स्टेमिना को बढ़ाने के लिए फ्लूट का यूज करता हूं। और दोस्तों, इसके इतने फायदे हैं, इतने ज़्यादा फायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बस मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, और जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको एक फ्लूट लेना होगा, इतना छोटा फ्लूट। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी फ्लूट ले वो आपके सिंगिंग स्केल वाली फ्लूट हो। जैसे आपका सा अगर सी शार्प है, आप मेल हैं, या डी है, तो आप उस स्केल का फ्लूट लेंगे। दोस्तों, फ्लूट पे लिखा होता है किस स्केल का फ्लूट है। तो आइए अब बात कर लेते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा और सबसे ज़रूरी फ़ायदा क्या है, वो ये है कि आपके श्वसन तंत्र का अभ्यास होगा। जब यह फ्लूट पे कुछ भी बजाइए, बस आप 10 से 15 मिनट रोज़ दीजिए, इससे क्या होगा, आपके श्वसन तंत्र का अभ्यास होगा। तो बस आपको इस तरीके से अभ्यास करना है, इससे हमारे श्वसन तंत्र का रियाज होगा, अभ्यास होगा, जिससे हमारा श्वसन तंत्र पावरफुल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर करेगा। और आप देखेंगे कि 1-2 दिन में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा अपने सिंगिंग में, और ये तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिकली इसे करेंगे। सिर्फ वीडियो देखने मात्र से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली इसे करना ही होगा। दोस्तों, जब आपका श्वसन तंत्र स्ट्रांग हो जाएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एयर अपने फेफड़ों में स्टोर कर सकेंगे, और जितना ज़्यादा हवा आप अपने फेफड़ों में स्टोर कर सकेंगे उतना अच्छा आप गाएंगे। आपके जो नोट्स होते हैं
जो हिलने की प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। सुर हिलने की जो प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, सीधापन आने लगेगा सुर में दोस्तों। तो अगर आपका सुर मान लीजिए ऐसे सा, तो धीरे धीरे आपका सुर ऐसा हो जाएगा सा, जो गला हिलने की प्रॉब्लम होती है उसका सीधा संबंध हमारे सांस से है। जितना स्ट्रांग आपका सांस होगा उतने आपके सुर स्टडी होंगे, एक लेवल में होंगे, पर वक्त लेगा धीरे धीरे। और दोस्तों आपके सिंगिंग में कंट्रोल आएगा। सिंगिंग में कंट्रोल का मतलब ये है कि हाँ मुझे ऐसा गाना है तो मैं ऐसा ही गाऊंगा, हाँ मुझे ये सुर लगाने हैं, मुझे ये हरकत करनी है, मतलब आपके पूरे कंट्रोल में आपकी गायकी होगी अगर आपकी ब्रीदिंग स्टेमिना अच्छी है। मैंने ही माखन खायो रे मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो रे मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। दूसरा बेनिफिट दोस्तों ये है कि जब हम फ्लूट से अभ्यास करते हैं तो नाक से सांस लेकर मुंह से फ्लूट को बजाते हैं, तो जितनी बार हम सांस लेते हैं, जितनी बार हम सांस लेते हैं हमारे बॉडी में उतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाता है, और जितनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाएगा उतना हमारा बॉडी प्योर होगा, हमारा मस्तिष्क स्ट्रेस फ्री होगा, रिलैक्स्ड होगा। दोस्तों इसका सीधा संबंध योग से है, प्राणायाम से है, एक तरह से इसे प्राणायाम ही समझिए आप। प्राणायाम में दोस्तों सांस का ही खेल है, चाहे वो अनुलोम विलोम हो चाहे कपालभाति। तो जब भी आप फ्लूट प्ले करेंगे आप नाक से सांस लेंगे ही, इस तरीके से अगर आप सिर्फ 5 मिनट करके देखेंगे दोस्तों तो आपको लगेगा कि कितनी एनर्जी आपके अंदर आ गई, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलेगी। दोस्तों ये जो ट्रिक है ये मेरे एक्सपीरियंस का है, हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे या थोड़ा हास्यास्पद लगे, पर जब आप इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो दूसरा बेनिफिट ये है दोस्तों कि आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, और जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और जितना अच्छा आपका हेल्थ होगा उतनी ही बेहतर आपकी गायकी होगी, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य से हमारी सिंगिंग प्रभावित होती है दोस्तों। अच्छा स्वास्थ्य अच्छी सिंगिंग, बुरा स्वास्थ्य बुरी सिंगिंग, नेचुरल है। और दोस्तों तीसरा फायदा यह है कि आपकी सिंगिंग स्टेमिना बढ़ती जाएगी। सपोज दैट अगर आप लगातार 1 घंटा गा पा रहे, अभी 1.25 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, या जो भी आपकी करंट सिंगिंग स्टेमिना अभी है वो बढ़ती जाएगी। रियाज तो आपको करना ही दोस्तों, पर रियाज से पहले 10 से 15 मिनट बस आप फ्लूट से एक्सरसाइज करिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 10 से 15 मिनट मैक्स। तो आप फ्लूट लीजिए, आप जो भी बजाना चाहते हैं बजाइए। एक तो आप ऐसा अभ्यास कर सकते हैं सिंपल, बस जहाँ से हम एयर देते हैं फ्लूट को, फिर अगर आपका मन करे तो आप सुर भी बजाइए उस पर, आप ये भी कर सकते हैं। बस आपको 10 से 15 मिनट फ्लूट के साथ खेलना है, और खेल खेल में आपको बहुत फायदे होंगे दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ, ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो आपके सिंगिंग को ज़रूर बदलेगी, ज़रूर बदलेगी दोस्तों, ज़रूर बदलेगी। तो आप ऑनलाइन फ्लूट ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी शॉपिंग वेबसाइट से, जिससे भी आप शॉपिंग करते हो, कुछ दिन अभ्यास करिए, फिर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है आपको, क्या आपको कुछ परिवर्तन लग रहा है, या अभी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो भी आप ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों 7 सितंबर 2019 को मैं एक नया देशभक्ति गीत, जिसे मैं अभी बना रहा हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।
आप ज़रूर 7 सितंबर 2019 को वो वीडियो देखिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिएगा।